आप लोगों से एक सवाल पूछना था क्या आप लोग मुझे किरण बेदी रविंद्रनाथ टेगोर द्रौपदी मुर्मू और सुष्मिता सेन के बीच का कनेक्शन बता सकते हैं नहीं अच्छा चलिए ये ट्राई कीजिए द कनेक्शन बिटवीन दार्जिलिंग टी आंध्र प्रदेश और जिम कॉर्बेट नहीं क्लिक हुआ तो चलिए मैं बताती हूँ इन सारे नामों के साथ अलग अलग फील्ड में इंडिया फर्स्ट का टैग जुड़ा हुआ है और आज के वीडियो में हम जानेंगे जानेंगेड शुरुआत करें विद द मोस्ट कॉमन एंड नोन मंस तो देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राधाकृष्णन और पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल तो ये तो थे कुछ नॉन पर्सनालिटीज़ लेकिन मूवीज़ का कल्चर भी हमारे देश में हमेशा से काफ़ी आगे रहा अगर हम जाने मूवी कैटेगरी में इंडिया के कुछ फर्स्ट तो पहली साइलेंट मूवी थी राजा हरीश चंद्र विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय दादा साहेब फाल्के, जिनके नाम पर अब एक अवार्ड भी है पहली टॉकिंग मूवी थी आलम आरा डायरेक्टेड बाय अरदेशरानी इन 1931। थर्टी वन और पहली थ्री मूवी थी एक तमिल फिल्म माई डियर कुट्टी चेतन जो हिंदी में डब होकर बनी छोटा चेतन अच्छा चलो ये तो थी मूवीज कैटेगरी बट डू यू नो इंडिया फर्स्ट लीडर हु अड्रेस्ड यू एन जनरल असेंबली इन हिंदी इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में जरूर मिलेगा ऐसे ही कुछ इलेबोरेटेड और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए क्विकली गो एंड एन कोर्स बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो डिफेंस स्पेस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी इंडिया की पहचान शुरुआत से ही देखने को मिली जैसे इंडिया के फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी थे जनरल के एम करियप्पा फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया थे सैम मैनेक्शा इंडिया के पहले एयर चीफ मार्शल थे एस मुखर्जी और इंडियाज फर्स्ट नेवल चीफ वाइस एडमिरल आर डी कटारी द ओनली फुल एडमिरल इन इंडियन आर्म फोर्सेज एडमिरल आर हरिकुमार स्पेस की तरफ बढ़े तो स्पेस का नाम सुनते ही राकेश शर्मा का नाम सबकी जुबान में आ जाता है एज ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो हम सबको पता है इसरो जिसके पहले चेयरमैन थे विक्रम सारा भाई और इसरो की पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट का और एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बताऊं आप अब सैटेलाइट के हेल्प से ट्रेन का भी रनिंग स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं अब बात ट्रेन और रेलवे की हो ही रही है तो इंडिया की रेल जर्नी भी काफी आगे आ गई है इसकी जर्नी की शुरुआत हुई थी 1853 में जब भारत की पहली रेल चली बिटवीन बॉम्बे एंड थाने विच मेक्स इट अ 169 ईयर ओल्ड हेरिटेज और सिर्फ रेलवेज ही नहीं बाकी डेवलपमेंट्स भी जैसे फर्स्ट कार टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया वाज हिंदुस्तान एम्बेसडर फर्स्ट मोबाइल फोन वाज इंडिया का एसआर आर सेल अब बात तो 5G तक पहुंच गई है अभी हमने देखा डिफेंस रेलवेज और स्पेस के सारे फर्स्ट लेकिन इंडिया के कई हिस्टोरिक फर्स्ट भी रहे हैं जैसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वॉज लॉर्ड माउंट बैटन पहले एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वाज़ सी राजगोपालचारी पहला यूनेस्को साइट जिसे चुना गया वो था अजंता एलोरा केव आगरा फोर्ट एंड ताजमहल पहला जीआई टैग जिसे मिला वो था दार्जिलिंग टी फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया वाज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट स्टेट कार्वड आउट बेस्ड ऑन लैंग्वेज वॉर्स आंध्र प्रदेश और पहले भारतीय जिन्होंने नोबेल प्राइज पाया वो थे रविंद्रनाथ टैगोर अगर बात इतने सारे फील्ड्स की हो रही है तो वुमेन पार कैसे पीछे रहे आगे इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे पर्सनालिटीज के बारे में बताना चाहूंगी हु ब्रॉड सिग्निफिकेंट चेंज इन नेशन इस कैटेगरी की शुरुआत मैं करना चाहूंगी सावित्रीबाई फुले से जिन्हें जाना जाता है इंडिया फर्स्ट वुमेन टीचर तो वहीं इंडिया का पहला पीस प्राइज मिला मदर टेरेसा को फर्स्ट वुमेन जिन्हें ब्रिटिश राज द्वारा मिला कैसरे हिंद का खिताब वो थे पंडित रामाबाई सरोजनी नायडू बनी कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन बॉर्न फीमेल प्रेसिडेंट तो वही असीमा चैटर्जी थी फर्स्ट वुमेन टू गेट डॉक्टरेट ऑफ साइंस फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी ऐसे कोई भी फील्ड नहीं है जहां वुमेन ने अपनी पहचान ना छोड़ी हो फिर चाहे वो शिला डावरे हो जो फर्स्ट फीमेल ऑटो रिक्शा ड्राइवर थी या फिर सरला ठकराल एज फर्स्ट वुमेन टू तो फ्लाय एयरक्राफ्ट कल्पना चावला हो टू तो बी द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया इन स्पेस टू तो बचेंद्री पाल फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम कुछ नॉन फर्स्ट फीमेल्स तो हम सबको पता है जैसे भारत की पहली प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जिनके नाम फर्स्ट टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड का टैग भी है वही प्रतिभा थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी विजय लक्ष्मी पंडित तो जस्टिस एम फातिमा बीवी थी पहली महिला जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मीरा कुमार थी फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा तो वहीं सुष्मिता सेन थी फर्स्ट मिस यूनिवर्स सो दीज वर सम अमेजिंग पर्सनालिटीज वी अबाउट वीडियो के बीच में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हु इज द फर्स्ट इंडियन लीडर टू एड्रेस यूएन जनरल असेंबली इन हिंदी इसका जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी तो ये तो था जवाब इस सवाल का अब आप लोगों को ये बताना है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन लोकसभा स्पीकर Comment your answers below and do not forget to give ideas for our upcoming videos. Until then, keep learning.